जो सुविधाएं केजरीवाल ने दी है भगवान उनको सत जो है कि क्या कह रहे हैं उनको प्रणाम करता हूं उन्हें। केजरीवाल जैसा भगवान दिल्ली का पिंड छोड़ दे। जब भाजपा की सरकार थी तब शीला दीक्षित भी थी, उस समय फाइल नहीं दबती थी शराब का, जब ये फ्री किए तब फाइल नहीं। अभी ये ठेके तो इन्होंने खुलवाए थे प्राइवेट, फ्री तो इन्होंने करवाई है दारू। जब बेहतर इतना तो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? पूरे पूरे दिन लग जाते थे लाइन लगा के दवा लेने में, पर्ची नहीं बनती थी जल्दी। आज मोहल्ला क्लिनिक 5 मिनट के अंदर बढ़िया से बढ़िया इलाज, बढ़िया से बढ़िया मिलता है मोहल्ला क्लिनिक। बढ़िया मेरा हो रहा है, मेरा मिल रहा है। मैं शुगर का मरीज हूँ, हर 10 दिन की दवा, हर 10 दिन पे जाता हूँ, 10 दिन की दवा मिल रही है। पैसे की बचत, टाइम की बचत, लाइन लगाने की बचत, समझ गए, वहां जाके धक्का मुक्की खाने की बचत। जो सुविधाएं केजरीवाल ने दी है भगवान उनको सत जो है कि क्या कह रहे हैं उनको प्रणाम करता हूं, उन्हें अच्छा जो है जीवन मिले, वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, यही कामना है, समझ गए। हाँ भाई साहब, आप कुछ कहें, केजरीवाल ने कैसा काम किया जो एक दावा कर रहे हैं कि बहुत अति उत्तम बना दिया दिल्ली? केजरीवाल जैसा भगवान दिल्ली का पिंड छोड़ दे, दिल्ली बच जाएगी। क्यों, क्या कर दिया? अरे कह तो रहे हैं कि इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनवाया कि सारे इलाज मिले। ऐसा भी आप ये कहे थे, हम बनाए जब ये उनके गुरु आए थे तो कहे 2-3 वादा किए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, अब तो ध्यान नहीं आ रहा है। क्या कहे थे वो? कहेंगे दिल्ली को लंदन बना देंगे, नहीं लंदन पेरिस बना देंगे, जन लोकपाल। पहला इनका नारा था जब इनका जन्म हुआ, जन लोकपाल और भ्रष्टाचार। अब वो कहाँ गया जन लोकपाल इनका? कहते हैं LG फाइल ही दबा देते, हमारी फाइल ही नहीं आगे बढ़ने। आप बताइए, तो जब भाजपा की सरकार थी तब शीला दीक्षित भी थी, उस समय फाइल नहीं दबती थी शराब का, जब ये फ्री किए तब फाइल नहीं दबी, तब फाइल कहाँ थी? जब शराब किए तब फाइल नहीं दबे? दूध क्यों नहीं फ्री हो गया? दूध क्यों नहीं फ्री कर दिया? दारू तक फ्री में गया? ये दारू इन्होंने एक के साथ एक फ्री करी थी, जो ये नई नई उम्र के जो लड़के हैं ये भी पीने शुरू कर दिया, इनकी दारू के चक्कर में है। इन्होंने पूरे केजरीवाल घर गए थे पिलाने के लिए, भाई एक पैक तू मार। ये ठेके तो इन्होंने खुलवाए थे प्राइवेट, फ्री तो इन्होंने करवाई है दारू। कह रहे थे अर्थव्यवस्था बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ा रहे थे। ठेके वाले अपने घर से थोड़ी दारू फ्री करेंगे, सरकारी तो रेट बनाती है दारू का। ये लोग कहते हैं हम दिल्ली का स्कूल मॉडल बना दिए, एक मिनट, दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल, लेकिन इनके बच्चे एक भी नगर निगम स्कूल में नहीं पढ़ रहे, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जितने MLA हैं ये अपने बच्चों को जो है बाहर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को बेहतर बना रहे हैं। जब बेहतर इतना तो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? वो भी तो अपने बच्चों को दिल्ली में, वो मानक नहीं हो सकता कि एक शिक्षा मंत्री का बेटा अगर पढ़ेगा तभी स्कूल अच्छे माने जाए। यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो गया, इलाज करवा रहे हैं, और जब खुद उनकी खांसी हुई तो बेंगलोर इलाज कराने चले गए। यहाँ हॉस्पिटल नहीं था क्या दिल्ली में? मोहाना क्लिनिक वाले कहाँ चले गए? वो नहीं है क्या सकते थे वो दिल्ली में? अगर वो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुला रखा है, उनको खांसी आई तो वो बेंगलोर चले गए, ठीक है उड़ के। क्यों, मोहल्ला क्लिनिक नहीं था जब इलाज नहीं हो सकता था उनका? खांसी का ही नॉर्मल खांसी तो थी। यहाँ लोगों का कैंसर का इलाज कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में, ये बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, और इनकी खांसी का इलाज हुआ नहीं मोहल्ला क्लिनिक में। क्या मतलब, क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या केजरीवाल के समर्थक अंधे हो गए? अब पता नहीं अंधे हो गए हैं, उनके अंदर मेमोरी गायब कर दी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सबकी। और क्या भाई साहब, बता रहा हूँ, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली की ऐसा दशा नहीं था जो अभी केजरीवाल के है। हर कॉलोनियों का रोड टूटा हुआ है। ये जब साला एक कथा है कि जब यहाँ तोप के जरूरत है कि ये कट्टा लेके घूम रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है कि माला क्लिनिक लेके बैठे हुए हैं, यहाँ रोड के सही करने की जरूरत है तो कहते हैं कि मॉडल स्कूल बनवा दिए। यहाँ सुविधा के नाम पर इनसे किया, अच्छा शीला दीक्षित के भी राज था, यहाँ पर बढ़िया काम करती थी, इनके पास बैलेंस भी रहता था दिल्ली गवर्नमेंट के पास, तुरंत कुछ भी काम हो जाता था। लेकिन आज इनके पास जाओ, कोई भी अधिकारी है कहता है सर बैलेंस नहीं है, किसी कहते हैं कि LG हमें काम नहीं कर रही है।
एलजी क्या शीला दीक्षित के राज में भी ये क्या एक एलजी तो शीला दीक्षित के टाइम पे भी थे जब तो नहीं हुई टांग अड़ाई एलजी ने। वो कहते हैं कि एलजी उस सरकार कांग्रेस की थी, एलजी भी कांग्रेस के थे, यहाँ भाजपा वाले हैं, काम ही नहीं कर कुछ नहीं। जब काम करने की नीयत ना हो तो दूसरे पे ब्लेम डालेंगे। भाई केंद्र है, केंद्र में क्या है कि जब सेंटर बैठा हुआ है वहाँ एलजी के पावर चलता है, ये ना कि मुख्यमंत्री का पावर चलेगा। ये राजधानी है, राजधानी के जो नियम बना हुआ है अभी तक, लेकिन नियम उसी हिसाब से काम हो रहा था। सारे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का उड़ के नहीं आई थी, वो भी काम कर रही थी, भाजपा कभी राज में होती और भी सरकार रही है यहाँ पर, नहीं काम होता था जिन्होंने। नहीं कि आज के डेट में इनका एक बहाना है कि एलजी, अरे एलजी के सब लोग एक अधिकारी के दूसरे अधिकारी के नीचे काम करते हैं, उनसे तालमेल अच्छा बनाओ तुम्हारे पास। मेरा एक सवाल है, हम जब कहीं बाहर जाते हैं, उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, मध्य प्रदेश गए, वहाँ हमें केजरीवाल के पोस्टर नजर आते हैं कि दिल्ली में ये किया दिल्ली, तो आपको लगता है अगर आप कह रहे हैं काम नहीं किया है तो प्रचार में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं काम में नहीं? भाई प्रचार में खर्च कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रचार में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसीलिए आप जो बताया है कि अदर जगह में इनका ज्यादा हो रहा है प्रचार हो रहा है, क्योंकि टीवी वाले को या चैनल वालों को ज्यादा पैसा खर्च करके ये प्रचार करवाते हैं सब जगह प्रचार। हाँ, सब जगह प्रचार है, काम कुछ भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर दिल्ली सरकार को लेकर जनता क्या कह रही है आपने देखा, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।